दुनिया माटे राहत ना समाचार। स्वेज नहर में अटकेल विशाल कार्गो एवर ग्रीन जहाज तरसू थयु, 6 दिवस थी फसायु हतु जहाज। एनसीपी चीफ शरद पवार की तबियत लथड़ी, पेट में दुखावानी फरियाद साथे मुंबई की ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में दाखल, 31 मार्च थशे ऑपरेशन। कच्छ गुजसिटोको केस नो आरोपी फरार, भूज की जनरल हॉस्पिटल में फरार, गंभीर बीमारी ने लीधे हॉस्पिटल में हतो दाखल। सूरत में कोई धूड़ेटी रमतु नहीं, कोरोना संक्रमण रोकवा माटे आप्यो तंत्र ने साथ, सूरत मनपा कमिश्नर बंछानी थी पानी नु निवेदन। अमदावाद सॉलिड वेस्ट विभाग द्वारा चेकिंग, राजपथ क्लब रिवरफ्रंट खाते करायू चेकिंग, होली और धूड़ेटी पर्व की उजवणी पर रोक। जूनागढ़ पूर्व मेयर कोरोना संक्रमित, महेन्द्र भाई मशरू कोरोना पॉजिटिव, महेन्द्र मशरू थया होम क्वारंटाइन। नमस्कार, आप जो रहा मंतव्य न्यूज, मंतव्य मध्याहन साथे हूँ छु जागृति। बुलेटिन में सौ प्रथम बात करिए भावनगर की। भावनगर थी महत्वना समाचार आवी रहा है। अनुसार घोघा खाते बोट में भीषण आग लागी छे, माछीमारी करीने परत आवेली आ जे बोट छे ए बोट सड़गी उठी छे। स्थानिकों द्वारा आग पर काबू मेळवी लेवायो छे, जो के आ आग में बोट संपूर्णपणे बळीने राख थई गई छे। जे प्रकारनी विगतो सामे आवी रही छे ते अनुसार माछीमारी करीने ज्यारे बोट परत फरती हती ते संजोगोमां जे बोट में आग लागी गई हती, जो के स्थानिकों द्वारा आ आग पर काबू मेळवी लेवायो छे, परंतु नुकसाननी वात ए छे के आ आग में बोट संपूर्णपणे बळीने खाक थई गई छे। जो के आग कया कारणोसर लागी ते हजु सुधी जाणी शकायुं नथी, कारण के माछीमारी करनारी आ एक बोट हती के जे माछीमारी करीने परत फरती हती ते संजोगोमां बोट में आग लागी हती। भावनगरना घोघानी आ वात छे के ज्यां एक बोट माछीमारी करीने परत फरती हती ते संजोगोमां बोट सळगी उठी आग लागी हती, त्यारे स्थानिको द्वारा आ आग पर काबू तो मेळवी लेवायो, परंतु नुकसानी आ आग ने कई कारणे थई छे के बोट संपूर्णपणे बळीने राख थई गई छे। टीवी स्क्रीन पर दृश्य पर आप जोई शको छो के बोट में जे आग लागी हती तेने स्थानिको बुझावी रहा छे, परंतु आग संपूर्णपणे बळीने राख। वधु जानकारी मेळवीए संवाददाता अल्पेश डाभी पासेथी। अल्पेश, आ समग्र घटनाने लईने शुं छे वधु विगत? जी चोक्कस, जणाय दो भावनगर नजीक आवेला घोघा बंदर खाते माछीमारी करवा गयेल माछीमार पोतानी बोट परत लईने आव्या हता, जेने घोघा बंदर खाते लांगरी हती। त्यारबाद माछीमार पोताना घरे गया बाद बोट में अचानक ज आग लागी हती, जो के आग लागवानुं कारण जाणवा मळ्युं नहोतुं, परंतु स्थानिक लोको द्वारा तुरंत आग बोट पासे दोड़ी गया हता ने आग पर जे आग काबू मेळवाना प्रयासो हाथ धर्या हता, परंतु आग केटली विकराळ हती के संपूर्ण बोट छे ते बळीने खाक थई गई हती। आजुबाजुमां जे रखायेली बे बोटो छे तेने पण नुकसान थयुं हतुं। काल जाणवा मळी रह्या मुजब, स्थानिको द्वारा चर्चा कर्या मुजब, जे आग छे तेने लईने बोटमां 2 લાખ જેવી નુકસાની થવા પામી છે ને। ખાસ વાત કરીએ તો આગમાં કોઈ જાનહાની કે નુકસાન કોઈ સર્જાય નથી, પરંતુ ખાસ જે બોટ સળગી ગઈ છે જેને લઈને નાની નાના વર્ગના માછીમારો છે તેને બહુ મોટું નુકસાન ભોગવવું પડે છે, અને બીજી તરફ સ્થાનિક લોકો દ્વારા જે આગ પર કાબૂ મેળવીને અન્ય બે બોટ હતી તેને પણ આગથી થોડી બચાવી શકાય છે। આભાર અલ્પેશ તમામ જાણકારી બદલ। તો જ્યારે બંદર ઉપર કિનારે આ બોટ લંગારવામાં આવી માછીમારી કરીને પરત ફરી હતી આ બોટ, અને ત્યારબાદ બોટમાં આગ ભભૂકી ઉઠી હતી, 2 લાખનું નુકસાન સાથે બોટ બળીને રાખ થઈ ગઈ છે, તો અન્ય બે બોટને પણ સામાન્ય નુકસાન પહોંચ્યું છે। बीजी बाजु गोंडलनी माधव जिनिंग मां पण आगना समाचार। अही कपासनी गांसडी भरीने राखवामां आवी हती अने मोडी रात्रि आ आग लागी हती। जो के आ आगनी घटनानी जाण थता ज लोकोए आग पर पाणीनो मारो चलावीने आगने काबूमां लीधी, जो के आगने काबूमां राखवा माटे सवार सुधीनो समय लागी गयो हतो। आ आगने कारणे मिलमां लाखो रूपियानुं नुकसान वेठवानो वारो आव्यो छे मिल मालिकोने, कारण के कपासनी गांसडी भरी हती आ माधव जिनिंगमां, અને તેમાં જ આગ ભભૂકી ઉઠી હતી। જો કે રાત્રે રાગેલી આગ પર સવારે કાબૂ મેળવી લેવાયો, પરંતુ આગ કયા કારણોસર લાગી તે જાણી શકાયું નથી, અને આ આગને કારણે લાખો રૂપિયાનું નુકસાન વેઠવાનો વારો આવ્યો છે।
गोंडल पास माधव जीनिंग आ दृश्य है कि ज्यां मोड़ी रात्र कपासनी गांसड़ी भरेली आ मिल में जीनिंग में आग लागी गई थी जेने बुझावता सवार समय थी गये मोड़ी रात्र लागेली आग सवारे काबू में आवी थी परंतु कॉटन एटले के कपासनी गांसड़ी भरीने राखी थी आ जीनिंग में आग भभूकी उड़ता लाखों रूपया नुकसानी वेठवानो वारो आव्यो छे। आ आग क्या कारणोसर लागी ते कारण हजू पण अकबंद रहेवा पाम्यो छे ते कारण जाणी शकायो नथी के जीनिंग में आखरे क्या कारणोसर आग भभूकी उठी थी। बुलेटिन में आगळ વધીને વાત કરીએ કચ્છની तो કચ્છના ગુજસટોક કેસનો આરોપી ફરાર થઈ ગયો છે। જે પ્રકારની વિગતો હાથ લાગી રહી છે તે અનુસાર ભુજની જનરલ હોસ્પિટલમાંથી આરોપી ફરાર થઈ ગયો છે। ત્રણ દિવસથી નિખિલ ડોંગા જે આરોપી છે તે ભુજની જનરલ હોસ્પિટલમાં સારવાર અર્થે દાખલ થયો હતો। ગંભીર બીમારીને કારણે તેને હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો હતો ત્યારે ત્રણ દિવસથી જાપતા હેઠળ તેને હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ ખસેડવામાં આવ્યો હતો। जो के आरोपी फरार थई जता पोलीसे तमाम जग्याए शोधखोळ हाथ धरी छे परंतु कही शकाय के कच्छमां गुस्सटोक केसनो आरोपी हॉस्पिटलमां सारवार हेठळ हतो अने ते हॉस्पिटलथी फरार थई गयो छे। तेने शोधी काढवा माटे पोलीसे हवे तपासना चक्रो गतिमान कर्या छे। आरोपी निखिल डोंगा के जे गंभीर बीमारीथी पीड़ातो हतो त्यारे छेल्ला त्रण दिवसथी ते भुजनी जनरल हॉस्पिटलमां सारवार हेठळ हतो अने अहीं हॉस्पिटलथी ज ते फरार थई जता हवे पोलीसे तेने शोधवा सर्च ऑपरेशन हाथ धर्यु छे। गुजरातना नायब मुख्यप्रधान नीतिनभाई पटेले एक महत्वनुं निवेदन आप्यु छे अने निवेदन करता कह्युं छे के सरकारना नियमोनो जो कोई व्यक्ति भंग करशे तो तेनी सामे कायदेसरनी कार्यवाही करवामां आवशे। जाहेरमां कलर के पाणी छांटीने उजवणी न करवी तेवुं तेओए निवेदनमां कह्युं छे। क्लब सोसायटीमां तेमज जाहेरमां होळी रमवा माटे के रंग नाखवा पर प्रतिबंध दर्शावी देवायो छे। तमाम लोकोए कोरोनानी गाइडलाइननी साथे साथे सरकारे जे गाइडलाइन आपी छे तेनुं पण पालन करवुं ज पड़शे। उम्याधाम मंदिर जासपुरमां एक कार्यक्रम आयोजित करवामां आव्यो हतो अने आ कार्यक्रममां ज्यारे नायब मुख्यप्रधान नीतिन पटेल उपस्थित हता त्यारे आ निवेदन तेओना द्वारा आपवामां आव्यो छे के सरकारना नियमोनो कोईए भंग नथी कर्यो। गुजरातना जेटला पण क्लब्स छे सोसायटीज छे आ तमामे तमाम जग्याए जाहेरमां रंग नाखवा उपर प्रतिबंध राज्य सरकार द्वारा करवामां आव्यो छे अने तेने लईने ज नायब मुख्यप्रधाने निवेदन आप्युं। बीजी बाजु सूरत में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जे प्रकार केस वधी रहा है त्यारे म्युनिसिपल कमिश्नरे पण बंछानिधि पानीए महत्वनुं निवेदन आप्युं छे अने कह्युं छे के सूरत में कोई धूळेटी रमतुं नथी। पालिका कमिश्नर नी अपील कामे लागी छे अने रंग लावी रही छे तेओना द्वारा जे अपील करवामां आवी हती जनता ने के लोकोने धूळेटी न रमवा माटे तेओना द्वारा अपील करवामां आवी हती। कोरोना संक्रमण रोकवा माटे तंत्रने लोको द्वारा साथ सहकार मळतो होवानो पण तेओए पोताना निवेदनमां उल्लेख कर्यो छे। होलिका दहन में मैं जयरे राउंड लीधु हतुं तमाम जगह सुरतीओ खूब सारी रीते सोशल डिस्टन्सिंग अने मास्कनुं पालन कर्या हता। आजे पण धूळेटीना आ अवसरे लोकोए खूब सरस रीते तंत्रने साथ सहकार आप्यु छे सहयोग अने सहभागिता आप्यु छे एना माटे सुरतीओनो खूब खूब आभार। अत्यारे हालमां जे प्रकारे संक्रमणनुं परिस्थिति छे संक्रमणनुं परिस्थिति जोता तमाम सुरतीओने विनंती छे के मास्क अचूकपणे लगावे अने कोईपण रीते आजे जे छे रंग अने पाणीनुं वपराश ना थाय त्यारे बीजू एक विनंती छे के लोको वेक्सिनेशन जे लोको एलिजिबल छे ए लोको अचूकपण करे
अपना पास मस्क ने वैक्सीनेशन खूब साइंटिफिक उपाय होयोग अपने करिए कोरोना ने हराए। बुलेटिन में आगळ वधीए तो सुरेन्द्रनगर में आज झालावाड़ में धुळेटीनी उजवणी करवामां आवी। नाना भूलकाओ युवानो अने मोटेरावो मन मूकीने एक बीजा पर रंग लगावी उजवणी करता जोवा मळ्या। लीमड़ी खाते पण अलग अलग विस्तार में नाना बाळको अने युवानो एक बीजाने रंग लगाड़ता नजरे पड्या अने रंगोना तहेवार धुळेटीनी तेवोए मन भरीने उजवणी करी। होळी अने धुळेटीना तहेवारने लईने अमदावाद म्युनिसिपल कोर्पोरेशननुं जाहेरनामुं बहार पाड्युं छे, त्यारे क्लब तेमज पार्टी प्लॉट्स बंध राखवा आदेश करवामां आव्यो छे। आ साथे ज सोसायटीमां पण होळी रमवा पर प्रतिबंध मूकी देवायो छे। जाहेर मार्गो पर पण होळी रमी शकाशे नहीं। बीजी बाजु मंदिरोमां पण होळीना उत्सव पर प्रतिबंध फरमावी देवायो छे अने जो नियमोनो भंग थशे तो तेना विरुद्ध पगला लेवामां आवशे। राज्यमां प्रजा हर्षोल्लासपूर्वक धुळेटी पर्वनी उजवणी करी रही छे। अमदावादमां धुळेटी पर्वने लईने बाळकोमां अनेरो उत्साह जोवा मळ्यो। सोसायटीमां बाळको धुळेटी पर्वनी उजवणी करी रह्या छे। बाळकोना वालीओ जो के सावचेती पण राखी रह्या छे। बीजी बाजु राजकोटमां पण धुळेटी पर्वने लईने बाळकोमां अनेरो उत्साह जोवा मळ्यो। बाळको उत्साहपूर्वक धुळेटीना पर्वनी मजा माणी रह्या छे। राजकोटमां धुळेटीनी उजवणी करवामां आवी। कालावड रोड पर फ्लेटनी छत पर धुळेटीनी उजवणी करवामां आवी। परिवार साथे युवक अने युवतीओ पण उजवणीमां रंगे रम्या हता। डीजेना सत्वारे लोको धुळेटीनी उजवणी करता जोवा मळ्या। कलरफुल फटाकडा फोड़ीने पण तेओए आ पर्वनी उजवणी करी। बुलेटिनमां आगळ वधीशुं, परंतु ते पहेला हाल एक ब्रेक। वेलकम बेक। बुलेटिनमां आगळ वधीए। राज्यमां कोरोनानो कहेर वधवाने पगले धुळेटीनी उजवणी जाहेरमां करवा उपर प्रतिबंध मूकी देवायो छे। राजकोटमां पण पोलीसे जाहेरमां रंग उड़ावा के पछी धुळेटी रमवा उपर जाहेरनामुं बहार पाड़ी लोकोने अपील करी हती, जेनी असर सवारे जोवा मळी। राजकोट पोलीस पण मार्गदर्शिकानी अमलवारी माटे खास बंदोबस्त गोठवीने अलग अलग जाहेर स्थळ पर टीम तैनात करी दीधी छे। कोरोना काल में राजकोट सहित शहरों में धुळेटी जाहिर आयोजन और जाहिर उजवणी पर प्रतिबंध है, तेने लईने पोलीस छे तेनो पण चुस्त बंदोबस्त राखवामां आव्यो छे। राजकोटनो आ पोस्ट विस्तार छे केकेवी चौक, के ज्यां मोटी संख्यानी अंदर पोलीस बंदोबस्त गोठवी देवामां आव्यो छे। खास करीने लोको जाहेरनी अंदर रंगथी ना रमे, एकबीजाने गुलाल ना उड़ावे अने कोरोनानी जे गाइडलाइन राज्य सरकार द्वारा जाहेर करवामां आवी छे तेनुं कड़कपणे पालन थाय, साथे साथे लोको छे ते एकबीजाने रंग उड़ाड़ता बचे अने आ तमाम जे नियमो छे तेनुं पालन थाय। आ नियमनुं पालन जोवा माटे आपणी साथे जोंटू साहेब जोड़ाया छे। सर, जे प्रकारे गाइडलाइन बहार पाड़वामां आवी छे अने तेनो अमल पण थई रह्यो छे, शुं कहेशो? धुळेटीना संदर्भमां जे राज्य सरकारनी सूचना छे अने सीपी साहेबनुं जे નોટિફિકેશન છે એ મુજબ અત્યારે બંદોબસ્ત અમે ડિપ્લોય કર્યો છે। राजकोट शहर में क्या कोई जाहिर जगह में धुळेटी रमता हे तो लीगल एक्शन लई रहा छे। अत्यारे पोलीस रोड पर कार्यवाही कर रही है। खास कर राजकोट अलग अलग विस्तार में जो है लगभग नॉर्मली स्वयंभू लॉकडाउन हो माहौल है, लोग रंग लई निकलता हो क्या जुआ नहीं मिलू। राजकोटवासी सहयोग मिलो थे कही सकते? हाँ, राजकोट में जयरेप अपील कर नोटिफिकेशन बहार पाड़ी छे तरह लोगों मोटा भागे सहयोग होता पुलिस बंदोबस्त एट राखे જેથી કરીને કોઈ એવા તત્વો જે છે એ કાયદાનો મિસયુઝ ન કરે, કાયદાનો ભંગ ન કરે અને એવું કંઈ કરે તો લીગલ કાર્યવાહી કરે। ખાસ કરીને મહિલા પોલીસની ટીમો પણ અત્યારે ફરી રહી છે અલગ અલગ જગ્યાએ। અમે ટોટલ 3 પેટ્રોલિંગ રૂટ રાખ્યા છે અને એમાં દરેક પેટ્રોલિંગ રૂટમાં મહિલા પણ સામેલ છે, એ ઉપરાંત સેપરેટ મહિલા પોલીસ સ્ટેશનની ટીમો પણ છે। પણ મને લાગતું નથી લોકોએ જે પ્રકારે સ્વયંભૂ રીતે દૂર જાહેર જગ્યા ઉપર નહીં રમવો એ પ્રકારના કાયદાનું પાલન કર્યું છે
એની કઈ બહુ જરૂર પડે અત્યારે. બિલકુલ, તો જે પ્રકારે રાજ્ય સરકારની માર્ગદર્શિકા છે અને રાજકોટ પોલીસ દ્વારા જે પ્રકારે રાજકોટવાસીઓને અપીલ કરવામાં આવી હતી તેની અસર અત્યારે રાજકોટની અંદર જોવા મળી રહી છે. જાહેર સ્થળોએ રંગોથી રમવાથી રાજકોટવાસીઓ બચી રહ્યા છે. જો કે ઘરની અંદર અથવા તો એમ કહી શકાય કે પરિવારના લોકોની સાથે કેટલાક લોકો તિલક હોળી અથવા તો ધૂળેટી છે તેની શુભ શરૂઆત કરી ચૂક્યા છે, પરંતુ જાહેર સ્થળોએ કોઈ લોકો હોળી રમતા હોય તેવું જોવા નથી મળી રહ્યું. કેમેરામેન રવિ ચાવડા સાથે મયુર સોની, મંતવ્ય ન્યૂઝ, રાજકોટ. આ તરફ અમદાવાદમાં ધૂળેટીના પર્વ નિમિત્તે જગન્નાથ મંદિરમાં રંગોત્સવની ઉજવણી કરવામાં આવી. દર વર્ષે હજારોની સંખ્યામાં હરિભક્તો હરિવર્ણના રંગે રંગાઈ જાય છે, પરંતુ આ વર્ષે કોરોનાના કાળમાં માત્ર ભગવાનને અબીલ ગુલાલની છોડો ઉડાવવામાં આવી અને કોરોના મહામારીમાંથી જલ્દી મુક્તિ મળે તે માટે ભગવાનને પ્રાર્થના કરવામાં આવી. વર્ષની જેમ ભગવાનના શણગારમાં કોઈ જાતનું કોઈ એ કરવામાં આવ્યું નથી, પણ આ ફેરીના શ્વેત વર્ષમાં ગોલ્ડન ઝરીમાં ભગવાનના શ્વેત વસ્ત્રો અને ખાસ વિશિષ્ટ જે હાઈડાના હાર ઠાકોરજીને ધરાવવામાં આવેલ છે. ધૂળેટીની ઉજવણી ન કરવા અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે, જેને લઈને 200થી વધુ પોલીસ ટીમ રોડ પર તૈનાત રહેશે. સોલિડ વેસ્ટ વિભાગ દ્વારા સોસાયટીમાં અને મંદિરમાં સઘન ચેકિંગ કરવામાં આવ્યું, જ્યારે રાજપથ ક્લબ, વટવાણી ઓમકાર સોસાયટી, રિવરફ્રન્ટ ખાતે લોકોને ધૂળેટી આ વર્ષે ન રમવા સમજાવવામાં આવ્યા. બીજી બાજુ જાહેરનામાનો ભંગ કરતા લોકો સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવશે તેવો પણ જાહેરનામામાં ઉલ્લેખ છે. ધૂળેટી પર્વ પર હવે દ્વારિકાધીશ મંદિરમાં ભક્તો પ્રવેશ કરી શકશે. ભક્તોની માંગને લઈને મંદિર ખુલ્લું મૂકવામાં આવ્યું છે, જોકે કોવિડની ગાઈડલાઈનના નિયમોનું ચુસ્તપણે પાલન કરવામાં આવી રહ્યું છે, જેને લઈને શ્રદ્ધાળુઓ ભગવાનના દર્શનનો લહાવો લઈ રહ્યા છે. આ તરફ સુપ્રસિદ્ધ ડાકોર મંદિર આજે બંધ રહેશે. ધૂળેટી પર્વ પર ભક્તોને અહીં પ્રવેશ આપવામાં નહીં આવે. બંધ બારણે ફૂલડોળ ઉત્સવ ઉજવાશે. ભક્તો ઓનલાઈન લાઈવ દર્શન કરી શકશે. કોરોના સંક્રમણ વધતા મંદિર પ્રશાસન દ્વારા આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. જૂનાગઢ દામોદર કુંડ ખાતે પરંપરાગત રીતે હોળી પ્રગટાવવામાં આવી હતી. વર્ષોથી દામોદર કુંડ ખાતે વૈષ્ણવ સંપ્રદાયની ઢબથી હોળી પ્રગટાવવામાં આવે છે, જેનો મોટી સંખ્યામાં લોકોએ દર્શનનો લહાવો લીધો. તો બુલેટિનમાં હાલ બસ આટલું જ, અને વધુ સમાચાર માટે આપ જોતા રહો મંતવ્ય ન્યૂઝ અને આપ લોગ ઇન પણ કરી શકો છો www.mantavyanews.com પર. નમસ્કાર.